नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएस सलार एजुटेक में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि सबको पता है, दुनिया में हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। जो नहीं है वो कुछ सालों में या कुछ महीनों में ऑनलाइन होने वाला है। इसी सिलसिले में जो आरटीआई के तहत जो सूचना मांगी जाती है, उसका भी एक पोर्टल बनाया गया है। उस पोर्टल को जन जन तक पहुँचाना है, यानी प्रचार प्रसार करने के संबंध में एक आदेश है। ठीक है, तो पहले ये जान लीजिए कि आरटीआई पोर्टल क्या है, इसके बारे में, उसके बाद कैसे फैलाना है, किसके बारे में किसको बताना है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। आरटीआई वो होता है जिसके द्वारा जन सूचना मांग सकते हैं किसी भी सरकारी कर्मचारी से किसी भी खर्च का। चलिए, हम दोस्तों, ये शिक्षा निदेशक सर का आदेश है। 9 फरवरी को ये आदेश आया हुआ, देख लीजिए इसमें क्या है, जरूरी चीज़ें ही पढ़ेंगे। तो कृपया उपयुक्त विषयक अपर मुख्य सचिव कार्यालय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या ये वगैरह वगैरह आकर्ष करें कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जन सूचना से संबंधित वेब पोर्टल rtionline.up.in का व्यापक प्रचार प्रसार कराए जाने के संबंध में आपको अवगत कराना है कि आपके कार्यालयों के स्तर से प्राप्त हो रहे आरटीआई आवेदनों तक प्रथम अपीलों की गई समीक्षा से प्रतीत होता है कि आप भी ऑफलाइन आरटीआई आवेदनों और प्रथम अपीलों की संख्या में अपेक्षित कमी नहीं आई है। ऑफलाइन आवेदनों के स्थान पर ऑनलाइन आवेदनों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु उक्त वेब पोर्टल का आमजन के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा आवश्यक है। अतः उक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है वेब पोर्टल rtionline.up.gov.in को व्यापक प्रचार प्रसार के आवेदनों उत्तर और सूचना देने के समय में टेक्स्ट को नोट रूप में अनिवार्य रूप से अंकित कराया जाए। उत्तर प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों और प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त करने स्थापित किए जाने हैं तो एक वेब पोर्टल विकसित किया गया है। भविष्य में जन सूचना के लिए आवेदन प्रथम अपील करने हैं तो वेब पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टैक्स नोट है भैया। तो आगे और भी ये देखते हैं, आगे एक पुराना आदेश भी आया हुआ है जो इससे पहले आया हुआ था। ये सारी चीज़ें हैं कि भैया आप पोर्टल शुरू हो चुका है, अब ऑफलाइन की जगह अब ऑनलाइन जो है सूचना मांग सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और डेढ़ सर, तब तक बोलिए नमस्कार।